वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चैप्टर वन के पार्ट टू। ठीक है, क्या है पार्ट टू? पार्ट वन के अंदर हमने क्या देखा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके फीचर्स। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत क्या होता है? उद्देश्य। इस प्रबंध का उद्देश्य क्या है? इस प्रबंध के उद्देश्य को क्या कर रखा है? चार भागों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंड है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्ट और फोर्थ है सोशल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सामाजिक उद्देश्य। अब देखिए, जो प्रबंध जो किया जा रहा है वो क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका जो उद्देश्य है उसमें इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया। इन चार उद्देश्यों को कारण ही प्रबंध किया जाता है। ठीक है, अब वो चार वो क्या है? सबसे पहले जाता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट। नाम से पता चल रहा है प्राथमिक उद्देश्य कि जो प्रबंध है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब सब क्या बात आएगी सामने सबसे पहले कि जो प्रबंध है उससे जो जुड़े हुए जो विभिन्न जो आपके पक्ष हैं, है ना, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना ही या उनको प्रदान करना ही सबसे पहले इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्या? कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इज टू सैटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट स्टेकहोल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो विभिन्न जो स्टेकहोल्डर्स हैं, जो पक्ष हैं, उनको सैटिस्फाई करना इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अब इसमें क्या क्या बातें आती है। इसमें आता है सबसे पहले कि मैक्सिमम कॉस्ट विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी उचित लागत पर उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन करना है। सबसे पहला जो प्राथमिक उद्देश्य मैनेजमेंट का है वो क्या है कि कम लागत पर अधिक उत्पादन। सबसे मेन बात तो हम लोग शुरू से सुनते रहे हैं और ये भी एक कह रहा है कि मैक्सिमम कॉस्ट यानी कम से कम कॉस्ट, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ना पहुंचाए विद मिनिमम वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मैंने आपको पहले बताए थे 5M वाले, याद होगा प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लेना 5M क्या है। ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज है कम से कम रिसोर्सेज का मिसयूज ना वेस्टेज करने की बजाय आप क्या करेंगे उसके अंतर्गत जो है कम से कम लागत को के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन है, अधिक से अधिक लाभ है वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस। इट मींस कि उन उत्पादों और जो सेवाओं हो, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं, उनका उचित मूल्य के ऊपर क्या करना है आपको वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिससे कि आप क्या कर सको उपभोक्ताओं को संतुष्ट प्रदान कर सको। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट रीजनेबल प्राइस टू सैटिस्फाई कस्टमर। इसके लिए टू सैटिस्फाई कस्टमर, आगे आपको समझ में। इसके बाद जो नेक्स्ट है सेकंड है और थर्ड है टू पे फेयर रेम्यूनरेशन। इट मींस उपक्रम के उन सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना। क्या मतलब? टू पे फेयर रेम्यूनरेशन टू ऑल द रिसोर्सेज एम्प्लॉयड। अब रेम्यूनरेशन किसको दोगे आप? एम्प्लॉय को। तो ये भी इसका क्या माना जाता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है, प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है कि आप अपने कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दोगे। ठीक है, उचित पारिश्रमिक देना पहला प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट। इट मींस उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना है। ठीक है, इन दी ऑर्गेनाइजेशन एडिक्वेट प्रॉफिट इट मीन्स ही उचित मात्रा में। ऐसा नहीं कि आप जालसाजी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, काला बाजारी कर रहे हो, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट में घटिया क्वालिटी लेकर आ रहे हो, घटिया प्रोडक्ट जो मटेरियल है उसका यूज कर रहे हो, उस तरीके से आपको लाभ नहीं कमाना है। आपको एडिक्वेट तरीके से, प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से आपको क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। तो ये क्या है? इसके प्राथमिक उद्देश्य है। एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य लिखिए। तो आप क्या करोगे इस तरीके से जो चार पॉइंट है, यही चार पॉइंट जो है सेम वही आपको एग्जाम्स में लिखकर आने हैं। यू डोंट हैव टू यूज अदर पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन, यू हैव टू ट्राई टू राइट इन दिस प्रॉपर वे सेम विथ इट। ठीक है, नेक्स्ट
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव द्वितीयक उद्देश्य। अब नाम से लग रहा है क्या है ये सेकेंडरी प्राइमरी यानी ये तो प्राथमिकता है इनको तो आपको प्रायोरिटी पे रखना है और ये है सेकेंडरी या सहायक या द्वितीयक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट क्या है टू एनहेंस क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। ठीक है अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इस सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर आर रिलेटेड टू द इंटरनल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा सिस्टम आता है इंटरनल सिस्टम आता है जिसमें टू अकम्प्लिश द वर्क विद द डिजायर एफिशिएंसी कि जो काम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है कार्य में कार्य किया जा रहा है उसको कुशलता के साथ किया जा रहा है वो कब हो सकता है इंटरनल हो सकता है इंटरनल के अंदर है ना। इसके अलावा the resources should be employed in a such way so on to generate maximum return कि जो resources हैं तो अच्छी से ज़्यादा ज़्यादा अच्छा ढंग से उपयोग किया जाए ताकि आपको अधिक से अधिक उसका वापस क्या मिल सके अधिकतम योगदान आपको संसाधनों का योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन वो आपको मिल सके। ठीक है और इसके अलावा ये संसाधन मानवीय वित्तीय भौतिक रूप में होते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन देयर क्वालिटी एंड आउटकम एटसेट्रा। ठीक है कुल मिलाकर जो बात है वो यही है कि जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो इंटरनल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हमें जो है रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से यूज करना है और टू एनहेंस क्वालिटी वेरियस रिसोर्सेज की जो हमारे विभिन्न जो संसाधन है उनमें क्या कहना है गुणवत्ता लेकर आनी है। ठीक है ये हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है रिसोर्सेज मीन संसाधन जो हमारे फाइव एम्स है उनका सही समय पे और सही स्थान पे उपयोग करना आपको क्या उद्देश्य है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स है। इसके बाद थर्ड है टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन देयर यूसेज। क्या मतलब इनका उपयोग सामंजस्य स्थापित करना ताकि सभी संसाधन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें और कार्यक्षमता प्रभावी हो। ठीक है सो ऑल द रिसोर्सेज वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विद इफेक्टिव वर्किंग कैपेसिटी। ठीक है जो भी जो आप भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर क्या कहना है आपको कोऑर्डिनेशन यहाँ पे ये मेन है कोऑर्डिनेशन मीन समन्वय। अब आपको यहाँ पे समन्वय सभी के बीच में बनाना होगा सभी रिसोर्सेज के बीच में बनाना होगा सभी लेवल्स के बीच में यानी टॉप मिडिल और लोअर या आगे आएगा तब समझाऊंगा कि टॉप मिडिल और लोअर क्या है। इन तीनों जो लेवल्स हैं इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है अगर आपको समझ में एग्जाम सुनिए तो पूछेगा प्राइमरी या वो पूछेगा सेकेंडरी। अब आगे बढ़ते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत उद्देश्य। अब जो मैनेजमेंट है उसका पर्सनल उद्देश्य क्या हो सकता है कि सेटिस्फाई ह्यूमन रिसोर्सेज कि किसी भी एंटरप्राइज का जो प्राइमरी सॉरी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा कि वो क्या करे जो आपके मानवीय जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको सेटिस्फाई करे। ठीक है व्यक्तिगत उद्देश्य तो यही है कि जो ह्यूमन है अब ह्यूमन कौन है वहाँ पर एंटरप्रेन्योर मैनेजर्स और एम्प्लॉइज इसको किन तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है एंटरप्रेन्योर उपक्रम या उपक्रमी प्रबंधक और कर्मचारी। अब यही तो है वहाँ पे मानव पहले आपने क्वालिटी में भी पढ़ा था यानी फीचर्स में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी तो जो प्रबंधक मानवों के द्वारा किया जा रहा है तो यहाँ पे व्यक्तिगत उद्देश्य में भी मानवों का ही ध्यान रखा जाएगा। मानव कौन है उपकर्मी है ठीक है आपका प्रबंधक है और आपके कर्मचारी है तो आपको क्या कहना है इनका ध्यान रखना है इन्हीं के बारे में आपको पूरा उनको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कैसे कि आप उनको एक अच्छा एटमोसफियर दें कार्य करने का। ठीक है आप उनके रेमुनरेशन जो है यहाँ पर्सपेंट है उसमें आप बराबर यहाँ पे मतलब उनको उनके अकॉर्डिंग आप उनको दें उसमें पक्षपात ना करें आप उनको बेहतर रिसोर्सेज वहाँ प्रोवाइड करवाएं आप उनके लिए जो है पेंशन प्लान रखें आप उनके लिए ग्रेचुटी प्लान रखें आप उनके जो है इंश्योरेंस प्लान रखें। ठीक है और कई सारी की चीज़ें होती हैं तो आपको उसमें भी इनका ध्यान रखना है किसमें आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव इट मीन सामाजिक उद्देश्य। अब किसी भी इसका मैनेजमेंट का जो सामाजिक उद्देश्य है वो क्या है
कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। क्या मतलब है कि जो समाज के जो विभिन्न संसाधनों का विकास है और उनका उपयोग, यानी जो समाज के द्वारा जो आपको जो रिसोर्सेज जो प्रोवाइड समाज के द्वारा जो आपको रिसोर्सेज मिले, संसाधन मिले, आपको उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी, यानी जो समाज के जो विभिन्न जो प्रत्येक जो घटक है उसको क्या कहना है, उसकी इच्छा पूर्ति करनी, यानी समाज के जो विभिन्न जो घटक है। अब विभिन्न घटक क्या हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, है ना, आपका कंज्यूमर हो सकता है, आपका जो आपको मान लीजिए आपके एक्सटर्नल के अंदर मान लीजिए बैंक हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी जो आपके समाज के जो विभिन्न जो घटक हैं उन सभी घटकों का आपको बराबर ध्यान रखना है। आपके क्रेडिटर्स हुए, आपके डेटर्स हुए, आपके कंज्यूमर्स हुए, आपके सप्लायर्स हुए, है ना, ये भी होते हैं कंपनी के जो घटक हैं, जो भी जो फैक्टर्स हैं घटक हैं, ठीक है, तो इन सबका आपको क्या कहना है, इनका प्रोटेक्ट करने का ध्यान रखना है और इनका जो है इनके इच्छा पूर्ति करनी है। नेक्स्ट, टू अपहोल्ड एथिकल प्रैक्टिसेस, इट मीन्स कि समुचित आचरण में संलग्नता हो, जो भी आपका कंपनी का जो काम करने का जो तरीका हो या काम करने की जो पॉलिसी हो वो कैसे होनी चाहिए, एथिकल, वो प्रॉपर रूप से कैसे हो, अच्छे होनी चाहिए, प्रॉपर आचरण है, एक तरह से कह सकते हैं सेंसिबल होनी चाहिए, बदमाशी कपट जाल साची धोखाधड़ी ये सब नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लास्ट हो गया है, टू साइट एग्जाम्पल्स ऑफ गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी अच्छे उदाहरण का प्रस्तुतिकरण है, कंपनी का उद्देश्य कौन सा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, वो समाज के अंदर कुछ अच्छे काम भी करें, कुछ सोशल लेवल काम भी करें और समाज के अन्य जो अलग अलग जो वर्ग हैं उनका ध्यान में रखते हुए उनका विकास करें, ठीक है। तो कुल मिला के एग्जाम्स में आपके साथ में कभी भी ये चारों पॉइंट एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, आपसे पढ़ के ये वो कहेगा प्राथमिक उद्देश्य बताओ, या वो कहेगा सामाजिक बताओ, सॉरी सेकेंडरी बताओ, या व्यक्तिगत बताओ, या सामाजिक बताओ, इन चारों पॉइंट्स में वो हमेशा एक एक ही पॉइंट पूछेगा और आपको इन्हीं पॉइंट को वहां पर लिखकर